और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, टी20 वर्ल्ड कप 2024 से सेमीफाइनल में पहुंच चुका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया है, 8 रन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान की टीम ने। आपको बता दें 115 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर, बांग्लादेश 105 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी विमल मोहन हमें देंगे। विमल, आखिरकार अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा ही दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर। बिल्कुल, जितना ये इससे बड़ा बॉलीवुड थ्रिलर मुझे लगता नहीं कि हाल फिलहाल में कई वर्षों में मैंने देखा है। मैच कितनी दफा ऊपर लेके गया, कभी 115 रन सिर्फ बनाए अफगानिस्तान ने और लगा कि बांग्लादेश का भी एक चांस बन गया है। बांग्लादेश का जबकि आउटसाइड चांस था, 12.1 ओवर में उनको ये लक्ष्य हासिल करना था जो अचीव किया जा सकता है टी20 जैसे गेम में अगर आपके पास विकेट्स हो। और एक बार लगा कि बांग्लादेश इस रन भी इस रेस में शामिल हो गया है, लेकिन आखिरकार कई बार विकेट गिरे और विकेटों के मतलब आखिर तक लिटन दास टिके रहे लेकिन दूसरे सिरे पे विकेट गिरते रहे। और अफगानिस्तान ने जो लक्ष्य हासिल किया, बड़ी बात यह है कि इस अफगानिस्तान की जीत के बाद आप अगर जो लोग टीवी देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ड्रेसिंग रूम में लोग उनके खिलाड़ी रो रहे हैं, उनके फैंस जो उनके अधिकारी रो रहे हैं। और अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, अफगानिस्तान के समाज के लिए भी, अफगानिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट बदलाव ला रहा है ये बहुत बड़ी बात है। और अफगानिस्तान ने वाकई इतिहास रचा है इस टूर्नामेंट में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त देना और यहाँ पे पहुंचना और बांग्लादेश से जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल किया, क्योंकि सुपर एक्साइटिंग मैच था। कई बार बारिश रुका, डकवर्थ लुईस का नियम बीच में सामने आया, लेकिन राशिद खान जो कप्तान है, कैप्टन कूल एक तरह से वो नए बनकर उभरे हैं, उन्होंने अपनी टीम का जो बॉडी लैंग्वेज है, संयम है, वो बनाए रखा और इस टीम ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। और जाहिर तौर पे वो टीम इंडिया का जो 1983 का जो वर्ल्ड कप की जो का जो खिताब है उसको वो एक तरह से रोल मॉडल मानते हैं। मैंने कई खिलाड़ियों से उनकी बात की है और वो उसे इस मुकाम की तरफ से देख रहे हैं, यहाँ तक भी पहुंचे हैं ये बहुत बड़ी बात है। अगला मुकाबला उनका दक्षिण अफ्रीका से होगा, अगर दक्षिण अफ्रीका को हरा कर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो और भी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन यहाँ तक जो भी उनका सफर रहा है वो काबिले तारीफ है। अफगानिस्तान ने दिखाया है कि वो फ्लूक से नहीं जीत रहे हैं, वो विक्ट्री है उनकी और वो इसके लिए उन्होंने अर्न किया है, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है और कई खिलाड़ी हैं उनके पास। बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ बेशक अभी भी नहीं है, लेकिन जो है उनके पास जो इक्विपमेंट है उनका वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं और गेंदबाजी में उनको दुनिया की कोई भी टीम को, किसी भी टीम को वो रोक सकते हैं। राशिद खान को आपने देखा होगा आईपीएल में, वो टॉप बॉलर के तौर पर उभरते हैं। और इस वक्त मैं आपको एक और भी तस्वीर बताना चाहूंगा, जोनाथन ट्रॉट जो उनके जो कोच है वो खिलाड़ियों को कंधे पर लेकर फील्ड में विक्ट्री ऑनर कर रहे हैं और ये बहुत अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, जो टी20 वर्ल्ड क्रिकेट में इस बार दो टीमों ने दिखाया, अमेरिका ने जैसे दिखाया सुपर 8 तक पहुंच के और अफगानिस्तान ने जो यहां तक का सफर हासिल किया है ये काबिले तारीफ है। आज बिल्कुल तारीफ यहाँ पर बनती है अफगानिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इस मैच की सामने आ रही हैं, अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को हरा दिया है और क्या शानदार कमबैक अफगानिस्तान की टीम का इस वर्ल्ड कप में हुआ है।